हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम केस लॉ डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है टॉर्ट लॉ का, जो कि डेमनम साइन इंजूरिया मैक्सिम में एप्लीकेबल होता है। तो आइए अब हम इस केस लॉ को डिस्कस करते हैं कि इस केस लॉ में क्या था। ये ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल में क्या था कि एक स्कूल था जिसमें एक स्कूल टीचर था, जो डिफेंडेंट था वो हमारा एक स्कूल टीचर था। अब उस स्कूल टीचर ने क्या किया, किसी रीज़न से अपनी जॉब क्विट कर दी वहाँ से, स्कूल से। उसने सोचा कि अब उसने वहाँ से जॉब क्विट कर दी, तो उसने क्या किया, उसने उसी स्कूल के सामने अपना एक दूसरा स्कूल ओपन कर लिया, जहाँ पे वो पुराना वाला स्कूल था जिसमें वो पहले जॉब कर रहा था, उसी के सामने उसने अपना एक नया स्कूल खोल लिया। उसने स्कूल का नाम रखा विग्निटी ऑफ ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल। अब उसने क्या किया कि उसका नया स्कूल चल जाए डिफेंडेंट का, तो उसने उसके लिए क्या किया, पुराने स्कूल की फीस थी 40 पेंस, तो उसने क्या किया, अपने नए स्कूल को चलाने के लिए उस स्कूल की फीस कर दी 12 पेंस, जो कि दूसरे वाले स्कूल से आधे से भी कम थी। उसने 12 पेंस में नए स्कूल में एडमिशन देना शुरू कर दिया, जो उसने नया स्कूल ओपन किया था। और क्योंकि वो अपने पुराने स्कूल में बहुत फेमस था, उसे बच्चे बच्चे बहुत पसंद करते थे, उसे सब कुछ समझ आता था उससे बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल फीस कम होने की वजह से, और क्योंकि उससे उनको पढ़ाई समझ आती थी, तो उस वजह से, इन्हीं दोनों कारणों की वजह से उन्होंने क्या किया, बच्चों ने जो उसने नया स्कूल खोला था डिफेंडेंट ने, उस स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वो पुराना वाला स्कूल था जिसमें उसने जॉब छोड़ी थी, उस स्कूल को लॉस होना शुरू हो गया। अब इसको हम रीड आउट करते हैं। द डिफेंडेंट वॉज अ स्कूल टीचर इन अ स्कूल नेम ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल। द डिफेंडेंट फॉर सम रीजन डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब एज अ टीचर एंड ही डिसाइडेड टू ओपन अप अ न्यू स्कूल जस्ट एडजेसेंट टू हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर स्कूल, दैट इज विग्निटी ऑफ ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल। जो उसके नए स्कूल का नाम था वो ये था विग्निटी ऑफ ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल। द डिफेंडेंट फर्दर रिड्यूस हिज न्यू स्कूल फीस टू 12 पेंस एज अगेंस्ट द 40 पेंस विच वॉज चार्ज बाय द प्रीवियस स्कूल। पुराना स्कूल 40 पेंस चार्ज कर रहा था और उसने अपने नए स्कूल की फीस कितनी रखी, 12 पेंस। सिंस ही वॉज ऑल्सो क्वाइट फेमस विद हिज स्टूडेंट एट द प्रीवियस स्कूल एंड द न्यू स्कूल फीस वॉज लेस देन हाफ ऑफ द प्रीवियस स्कूल, तो इससे क्या हुआ, मैंने स्टूडेंट लेफ्ट द प्रीवियस स्कूल एंड ज्वाइन द न्यू स्कूल। बहुत सारे लोगों ने नए स्कूल ज्वाइन कर लिया जो उसने खोला था। दिस रिजल्टेड इन पेक्यूनरी लॉसेस टू द प्रीवियस स्कूल, जिसकी वजह से पुराने वाले स्कूल को लॉसेज होने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, पुराने वाले स्कूल ने डैमेजेस के लिए कोर्ट में क्लेम करा कि मेरे स्कूल को नुकसान हो रहा है। तो इस पे दोनों जनों ने, प्लांटिफ ने और डिफेंडेंट ने, अपने अपने व्यूज़ दिए। क्या क्या कंटेंशंस थी वो, प्लांटिफ ने ये कहा कि द प्लांटिफ इन दिस केस कंटेंडेड दैट द स्कूल वॉज सेट अप बाय द डिफेंडेंट टू कॉज लॉस टू द प्लांटिफ। प्लांटिफ ने ये कहा कि मेरे को नुकसान करने के लिए इसने, डिफेंडेंट ने, मेरे स्कूल के सामने दूसरा स्कूल खोल लिया जो कि इलीगल है, ताकि मेरे को डैमेज हो, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो, और इसीलिए इसने मेरे से कम फीस में मेरे ही सामने दूसरा स्कूल खोल लिया। दिस लीड्स टू द डैमेज टू द प्लांटिफ रेप्यूटेशन एंड डिफेम द स्कूल बाय कीपिंग लेसर फीस। द डिफेंडेंट इज लायबल फॉर पेइंग द डैमेज सफर्ड बाय द प्लांटिफ स्कूल ड्यू टू रिडक्शन इन फीस एंड एडमिशन। प्लांटिफ ने कहा कि मुझे तो क्लेम चाहिए, क्योंकि है ना, मेरे स्कूल से कम फीस में इसने स्कूल खोल लिया, एक तो मेरे स्कूल के सामने, और बहुत सारे बच्चों ने मेरे यहाँ से जाके इसके स्कूल में एडमिशन भी ले लिया, और इसने ये इसलिए किया ताकि मेरे को नुकसान हो, या मेरी रेपुटेशन ख़राब करना चाहता था, इसीलिए मुझे क्लेम चाहिए अपने लॉसेस के लिए। तो इस पर डिफेंडेंट ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने कहा द डिफेंडेंट कंटेंडेड दैट द स्कूल वॉज नॉट सेट अप विद एनी मैलिफाइड इंटेंशन and no such damage has been caused to the plaintiff. The setting up of a school was for the personal motive of the defendant as he had no other income source after leaving his job in the plaintiff school. Defendant इसके लिए क्या कहता है, defendant कहता है मेरा कोई intention नहीं था, मेरा कोई intention नहीं था कि मैं
प्लांटिव के साथ नुकसान करूँ या उसे कोई डैमेज हो। मैंने तो ये स्कूल इसलिए खोला है क्योंकि मेरे पास कोई अदर इनकम सोर्स नहीं था और मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है, मेरे पास कोई और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास कोई इनकम सोर्स भी नहीं था, क्योंकि जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी तो मैं क्या करता। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उन्हीं के स्कूल के सामने अपना एक स्कूल खोल लिया, क्योंकि मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, मेरा कोई मोटिव नहीं था कि उनको नुकसान हो, लेकिन मेरे पास कोई इनकम सोर्स भी नहीं था, इसीलिए मैं क्या करता, इसलिए मैंने स्कूल खोलना सही समझा। तो अब इस पे कोर्ट ने जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट इज नॉट लायबल फॉर पेइंग एनी डैमेजेस टू द प्लांटिव। डिफेंडेंट ने कहा कि प्लांटिव कोई डैमेजेस पे नहीं करेगा, प्लांटिव को कोई डैमेजेस पे नहीं किया जाएगा डिफेंडेंट के थ्रू। एज द डैमेजेस दैट हैव बीन कॉज्ड टू द प्लांटिव स्कूल में नॉट इन्फ्रिंज्ड ऑफ हिज लीगल राइट। क्यों? क्योंकि उसके लीगल राइट का तो कोई वायलेशन हो नहीं रहा। एक स्कूल के सामने अगर कोई दूसरा स्कूल खुलता है तो उससे किसी के लीगल राइट तो वायलेट हो नहीं सकते, और ये कोई रूल भी नहीं है कि एक स्कूल के सामने दूसरा स्कूल खुल नहीं सकता, कोई भी खोल सकता है। द राइट टू चूज अ प्रोफेशन स्टैंड्स हेयर एज इट वॉज द चॉइस ऑफ द डिफेंडेंट दैट वेयर एंड हाउ ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज स्कूल। जैसा कि मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कहाँ खोलना है, कब खोलना है, ये तो अपनी मर्जी है कि कहीं भी दूसरा स्कूल खोल सकते हैं। तो नो डैमेजेस हैज बीन डन टू द प्रॉपर्टी टू द प्लांटिव स्कूल। तो इसके लिए प्लांटिव को कोई भी डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी इनकम सोर्स के लिए एक तो स्कूल खोला, और यहाँ ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो भी हम प्रोफेशन चूज करें या कोई भी चीज़ चूज करें वो अगर किसी दूसरे ने कर रखा है तो वो हम नहीं कर सकते। अगर एक स्कूल खुला है तो दूसरा स्कूल उसके सामने नहीं खुल सकता, ऐसा कहीं नहीं है। तो इस जजमेंट में डिफेंडेंट का फेवर किया गया, ना कि प्लांटिव का। बस ग्लूकोस्टा ग्रामर स्कूल के केस लॉ में यही बताया गया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम अगले केस लॉ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।